हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेकी फ्रीडी है। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो एसएससी जीडी को जीडी का कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों, आप लोगों ने अगर रिजल्ट का जो कट ऑफ देखा है उसकी साइड में जो पार्ट वन और पार्ट टू इसी टाइप से कुछ नंबर देकर रखा हुआ है, उस ऊपर दिखाई दे रहा है कट ऑफ डिटेल्स जो दिखाई दे रहे हैं ना, पार्ट वन और पार्ट टू, वो क्या चीज़ है, वो किस तरह से आप लोगों को मिल रहा है या क्या है चीज़ें, मैं उसको आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। और एक चीज़ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है कि हम लोगों को भैया नॉर्मलाइजेशन क्या मिला है, अगर हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन मिला है तो कितना मिला है, और अगर नहीं मिला है नॉर्मलाइजेशन तो कब तक मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन। और एक बात सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि भैया मुझे जो हमारा जो स्टेट का जो कट ऑफ आया है उस कट ऑफ से ज़्यादा मुझे नंबर मिला है, लेकिन मेरा रिजल्ट में मेरा नाम नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, मुझे तो जो कट ऑफ आया था कट ऑफ से ज़्यादा मुझे नंबर मिला है, फिर भी क्यों मुझे मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मैं इसी के बारे में, ये सब कुछ के बारे में मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ, क्यों आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन मिला है कि नहीं मिला है, कट ऑफ में क्यों आपका नाम नहीं आया है, ज़्यादा मार्क मिलने से भी आपका नहीं आया है। क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे गांव में आप लोग एक बोलना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे एक गांव का लड़का है जिसको 40 मिला है, ठीक है, 40 मिला है, वो एसटी का लड़का है, 40 मिला है उसको। लेकिन दोस्तों, हमारा जो असम का जो कट ऑफ आया है, असम का एसटी का कट ऑफ आया है 37 आया है एसटी का, लेकिन उनको उनका नाम नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, उसको 40 मिला है लेकिन हमारा असम का एसटी का आया है कट ऑफ 37, तो उसको नहीं आया है, उसका नाम नहीं आया है, ठीक है। और एक दोस्त है, मेरा दोस्त ही है, उसको मिला है दोस्तों 38 मिला है, उसका मार्क है 38, लेकिन वो जनरल का है यानी कि यूआर का कैंडिडेट है। लेकिन दोस्तों, जो असम का यूआर का कट ऑफ आया है 39 कुछ समथिंग आया है, ठीक है, लेकिन उसको मिला है, उसको मार्क था 38%, लेकिन कट ऑफ है 39, लेकिन उसका नाम आया है, तो उसका नाम क्यों आ गया, जो 40 एसटी का उसका नहीं आया है लेकिन इसका इसका नाम आया गया। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन मिला है दोस्तों, कैसे नॉर्मलाइजेशन मिला है, लेकिन दोस्तों किस बेस पर, किसके किस तरह से नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ ऐसा दिखाऊंगा, दिखा के आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन भी मिला है और पार्ट वन और पार्ट टू वो क्या चीज़ है और किस तरह से आप लोगों को मिला है, और दोस्तों ज़्यादा मार्क आने पर भी क्यों कट ऑफ में आप लोगों को नाम नहीं आया है, उसको भी मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा के अभी आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ठीक। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, एसएससी की रिलेटिव कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए ना तो मुझे कॉमेंट करिए उसका, क्योंकि दोस्तों आपका कॉमेंट देख के मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों आप लोग मुझे कॉमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आप लोग को एसएससी की जो मेडिकल वगैरह होता है, क्या क्या आप लोग को टेस्ट करवाया जाता है, क्या क्या करवाया जाता है, मैं आप लोग को सब कुछ समझा के मैं एसएससी की वीडियो बनाने वाला हूँ जो मेडिकल टेस्ट का। उसके अलावा भी दोस्तों, कई सारी मुझे दोस्त मुझे कमेंट कर रहा है कि भैया एसएससी जीडी में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है, वो मुझे हर बार ये कॉमेंट कर रहा है। तो दोस्तों, मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया लेकिन अभी बनाऊँगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप लोग को ले जाना पड़ता है, क्या क्या आप लोग को चाहिए, और उसके अलावा भी आप लोग को क्या क्या चाहिए, मैं आप लोग को वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, जो मेडिकल टेस्ट का मैं आप लोग को अलग अलग से बनाने की सोच रहा हूँ कि आप लोग को सभी पार्ट के बारे में आप लोग को अलग अलग से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो में अगर सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को देखने में भी बोर लगने लगेगा, क्योंकि दोस्तों सब प्रॉब्लम आपका नहीं होता है, जो प्रॉब्लम होता है उसके रिलेटिव अच्छी तरह से जानकारी ले लेना अच्छी बात है। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जो भी पार्ट्स के बारे में बताऊँगा ना उसके बारे में अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि ये पार्ट वन और पार्ट टू ये चीज़ क्या है जो कट ऑफ डिटेल्स के नीचे है, और दोस्तों क्या नॉर्मलाइजेशन क्या हम लोग को मिला है। तो मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ, जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन मिला है। मैं क्यों बोल रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन मिला है, आप लोग देख सकते हो जो ये असम का कट ऑफ है 37.6056 तो पॉइंट की बात भी आ रहा है, ये जो कट ऑफ आया है ना ये 38.58 इसी टाइप के जो पॉइंट की बात आया है, क्योंकि दोस्तों हमने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें जो राउंड फिगर में होता, मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चन सही किया है तो आपको 25 ही मिलना है, क्यों पॉइंट की बात क्यों आएगा आपको बुलाएगा। तो दोस्तों
मान लीजिए आपने 25, आप लोगों को आपने सही किया है, आप लोगों को 25 मिला है या 65 मिला है या 45, कोई भी अगर आपको मार्क मिला है तो आप लोगों को एक राउंड फिगर में मिला है, कोई पॉइंट की बात भी आप लोगों को तो नहीं मिला है ना। तो दोस्तों इधर क्यों पॉइंट के बाद इधर क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन जो ये मार्क जो रिजल्ट आया है ना, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का रिजल्ट है, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन होकर आया है तो कई सारे ऐसा स्टूडेंट है जिसका कम है, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी आप लोग को बताया है, आप लोग देख सकते हो ये आसाम का है, ठीक है। ये जो वन वाला है ये है SC और ये टू वाला है ST, थ्री तो पता नहीं, सिक्स है OBC, नाइन है जनरल आसाम का, ठीक है। दोस्तों मेरा एक दोस्त है जो ST का है, आप लोग देख सकते हो जो टू वाला है जो ST है, ये ST का 30 कितना आया है, ST का आया है आसाम का 38 आया है, ठीक है। आसाम का ST का 38 आया है, तो उसको मिला है 40, उसको क्यों नहीं बुलाया है, क्यों नहीं उसको बुलाया। और एक एक बंदे का आया है वो UR का है, वो जनरल का है, और जनरल का तो आप देख सकते हो इधर 39 point something, ठीक है। तो दोस्तों उसको मिला है 38, तो उसको क्यों बुलाया गया, तो दोस्तों इसीलिए बुलाया गया है। ये जो आप लोग देख सकते हो पार्ट वन और पार्ट टू जो सीज है, ये क्या सीज है, पार्ट वन का मतलब है जो आपने एग्ज़ाम देते वक्त आपने देखा होगा जो ग्रामर आया था ना वो अलग से आया था, और जो अलग आया था वो 75 क्वेश्चन आप लोग को अलग से आया था और 25 क्वेश्चन अलग से आया था, तो वही सीज है ये पार्ट वन और पार्ट टू सीज। और दोस्तों इसमें क्या हुआ है, मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों ये क्या है, मान लीजिए या ये जो ST का है, ST का 38 आया है, ठीक है। तो दोस्तों उसने मान लीजिए 30 मार्क उसको मिला है, जो 75 में से उसको 30 मार्क मिला है, ये जो 13 मार्क दिखाया जा रहा है, 11 मार्क दिखाया जा रहा है ना, यानी कि दोस्तों 75 में से आप लोग को 13 से ज़्यादा मार्क मिलना चाहिए, और जो 25 वाला जो क्वेश्चन था उसमें आप लोग को 11 से ज़्यादा आप लोग को मार्क लाना होगा तभी आप पास कर पाओगे। यानी कि दोस्तों जैसे होता है कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है ना, इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आपने चूज करके जो सब्जेक्ट लेते हो ना, अगर उसमें अगर आप फेल हो जाते हो तो आप लोग को फेल करवा दिया जाता है, ठीक उसी तरह से जहाँ तक लगता है मुझे ये जो पार्ट वन का जो सीज है उसमें आप लोगों को शायद मेरा जो दोस्त है शायद उसको इसमें जो मान लीजिए 30 मिला लेकिन इसमें आपको 8 मिला, उसको टोटल मान लीजिए 9 मिला या 10 मिला, ठीक है, उसमें 30 मिला या 10 मिला तो 40 हो गए, मान लीजिए इसमें थोड़ा कम मिला इसमें थोड़ा ज़्यादा मिला, इसी वजह से उसका कट ऑफ तो बन गया। तो मान लीजिए उसका इधर 35 आया है और इधर आप लोगों को उसका 4 मार्क आया है, इधर दिखाया जा रहा है कि 11 के ऊपर आपका मार्क आना चाहिए लेकिन उसको 4 नंबर मिला है, 4 मिला के उसको मान लीजिए उसमें कट ऑफ से ज़्यादा मार्क बन गया, लेकिन उसको इसीलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो इस पार्ट में थोड़ा कम नंबर आया है, इसमें ज़्यादा आने से भी आप लोग को नहीं होगा, ये जो दिखाया जा रहा है ना इसमें आप लोग इसमें से ज़्यादा जिसको मार्क मिला है उसी को बुलाया गया है। और जो भी कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन मिला है, जो जिसको 38 मिला था उसका इधर 39 है कट ऑफ, तो उसको क्यों मिला, क्योंकि उसको नॉर्मलाइजेशन मिल गया इसी की वजह से उसको भी बुलाया गया। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं क्या बाद में आप लोगों को बुलाएगा क्या करेगा, दोस्तों कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आ जाएगा जो फाइनल जो मार्क जो देख सकते हो ना, जो सभी देख सकते हैं मार्क, क्योंकि अभी अंदाज़ा है क्योंकि ऑफिशियल साइट से इसी टाइप से तो नहीं बताया, सब अंदाज़ा से ही बता रहा है। तो दोस्तों जो जब निकल जाएगा ऑफिशियल साइट से जो बताएगा सबका मार्क बताएगा, नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है, ज़्यादा मिला है या घटा है या कम मिला है, वो जब निकल जाएगा उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, जो आपने ऑनलाइन करते वक्त जो एप्लीकेशन आप लोग को मिला था, जो एप्लीकेशन है ना उसके साथ आपने एक खुद एप्लीकेशन लिखकर आप लोग को बताना है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के साथ उसको SSC वाला ने एक आप लोग को या ईमेल आप लोग को प्रोवाइड करेगा, उस ईमेल में आप लोग को सबमिट करने के लिए बोलेगा, तब मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर क्या कहाँ भेजना है क्या क्या करना है, अगर आपका कम नंबर आया है तो आप कैसे भेज सकते हो वो, लेकिन वो जब मेन जब रिजल्ट सबका आ जाएगा ना उसके बाद ही वो कर सकते हो। आप एप्लीकेशन अपना एप्लीकेशन के साथ एक आप खुद एप्लीकेशन लिख के आप लोग को उसको भेजना होगा SSC की तरफ से, शायद आप लोग को तब बुलाया जाएगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।